माय डियर कैंडिडेट, संडे को आपके साथ में जॉब, रोज़गार की बात, मन की बात से इंस्पायर होते हुए रोज़गार की बात स्टार्ट किया। दूसरा, लोकसभा चुनाव के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट जब एक इशू बना तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिली इस बात की कि एटलीस्ट गवर्नमेंट की ओर या लोगों में, इन पार्टीज़ में थोड़ा सा तो ध्यान गया कि एक वास्तव में बेरोज़गारी एक सब्जेक्ट भी है। इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इतना कुछ कभी इसके बारे में बात होगी कि चलो हाँ ये धर्म वो धर्म सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी करने में कैसे लोगों का सपोर्ट मिल पाए, सरकारें कैसे पॉलिसीज़ नहीं बना पाएँ, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। हल्का सा ध्यान गया तभी ये इंस्पिरेशन मिली थी और उसके बाद में थोड़ा सा स्टार्ट किया था आप लोगों से इन चीज़ों की चर्चा करना। ये जो जीवन है, जीवन में हर दिन अपनी उम्र की ओर बढ़ रहा होता है, नए नए अनुभव की ओर बढ़ रहा होता है। हर एक के मन में एक चॉइस होती है, कुछ समाज को दे के जाएं, कुछ अच्छा करके जाएं, कुछ लोगों को मिले। बहुत सारे लोग बहुत सारे कुछ कर रहे होते हैं अपने अलग अलग एरिया में सोसाइटी के लिए। वैसे एक थॉट था, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, एटलीस्ट लोगों को समझने के लिए कि उनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्निंग में उनको अच्छा ला सकती हैं। क्रीम लेयर के जो बंदे हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट एकेडमिकली भी साउंड हैं, फैमिली बैकग्राउंड से भी साउंड हैं, जब चाहे उनको कोई भी प्लेटफॉर्म मिल सकता है, उनके लिए तो मुझे लगता है कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आज एक सिस्टम उनको कहीं पर ले जाता है, फिर वहाँ से वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ से वहाँ चले जाते हैं, फिर उनके पास में अपनी अर्निंग के सोर्स आ जाते हैं। समस्या कहाँ पर है? समस्या है जिनका एकेडमिकली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, जिनका एकेडमिकली बैकग्राउंड नॉर्मल से नीचे है, बहुत सारे कारणों की वजह से अच्छी स्कूलिंग नहीं हो पाई, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या अपना उनका खुद का इंटरेस्ट या खुद का जिस तरीके का भी था उनको जो मिला सो मिला, बट उनके हाथ में फैमिली बैकग्राउंड में कुछ अर्जेंट सिचुएशन होती है जिसमें अर्निंग ज़्यादा नहीं होती है, तो जैसे कुछ चल रहा होता है, घर में भी उनको सपोर्ट करना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशंस हम लोग जब बहुत लोगों से मिलते हैं जिन लोगों को जॉब के लिए हम लोग देखते हैं, तो उनको केवल जॉब का प्रोफाइल नहीं देखते हैं, वो क्या हैं, उनकी फैमिली कैसी है, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, क्या फैमिली बैकग्राउंड, सब चीज़ों की एनालाइज करने के बाद में बात करते हैं। और इसलिए मैं इन बातों को और भी बहुत जोर देता हूँ और स्पेशली कहता हूँ कि कैंडिडेट जब एक जॉब के लिए जाते हैं तो पहले उनका अपने आप में एक एनालिसिस हो, वो क्या हैं, क्या नहीं हैं, कैसे हैं, क्या हैं। तो ये जो एवरेज बच्चा है, जो मिडिल क्लास बच्चा है, जिसको लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली का, जो बहुत सारी क्राइसिस के बाद में ए प्लस कैटेगरी में नहीं जा पाया, तो हमारे यहाँ देश में उनको भी एक अच्छी जॉब मिलने का अधिकार है, अपने घर के खर्चे अपने खर्चे वो निकाल सकें, ये उनका राइट बनता है। सही पूछिए तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के एंड से ही आती है कि हर कैंडिडेट के हाथ में जॉब हो, जो जॉब ढूंढ रहा है, सोर्स ऑफ अर्निंग उसको उसी प्लेटफॉर्म से मिल रहा हो। बट ये सालों की कहानी है, इसमें मशीनरी उतना अच्छा, गवर्नमेंट मशीनरी उतना अच्छा कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ जॉब में नहीं हो पाता है। दूसरी बात, हम भी जॉब को सिर्फ एक देश में, इतने बड़े देश में समझते हैं कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो ही अल्टीमेट है, ये भी एक सोच का है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक बार हमारे पास में जॉब लग जाए, हमें जीवन भर कुछ करना नहीं पड़े। एक और जब गवर्नमेंट जॉब वालों से मिली है तो कहते हैं बढ़िया जॉब तो मिल रही बट इसमें कुछ है नहीं, बस वही करो बोरियत है, उनसे ऐसे वो ऐसे बोलते हैं। और गवर्नमेंट जॉब की सिचुएशन किसी से छिपी भी नहीं है,
इतनी सीट्स, इतने एप्लीकेशन, किसकी ज्वाइनिंग, किसकी ज्वाइनिंग नहीं पता नहीं, उसमें कितने सालों आप खपा सकते हैं? क्या जो नहीं सिलेक्ट होंगे, जिनका ज्वाइनिंग नहीं आएगा, क्योंकि सीट तो जितनी है उतनी ही होंगे, तो गवर्नमेंट वो क्या करेंगे? क्या वो अपने घर को नहीं चलाएंगे? क्या वो अर्निंग नहीं करेंगे? उनको निश्चित रूप से और तरीके भी देखने पड़ेंगे और बैकअप प्लान करने पड़ेंगे। उनमें प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, और हम लोगों ने जो कोशिश करी है कि कैंडिडेट्स को हम लोग उस तरीके की जानकारी दे पाएँ जिससे वो असल में पहुँच पाएँ। क्या पहुँचाना है? पहली बात तो ये पहुँचाना है, एक सबसे बड़ा जो मिथ है, जिसको हम लोग मिथ, बहुत बड़ा मिथ बोलते हैं, मिथ नंबर वन, कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें जॉब देती है। सबसे बड़ा मिथ भ्रम यही फैल रखा है हर जगह। कितनी बार समझा दो, कितने तरीके से बता दो, बट लोग सर्टिफिकेट और डिग्रीज और डिप्लोमाज में उसको जॉब का आधार मान लेते हैं। सबसे बड़ा भ्रम यही है। जब वो ये समझेंगे ये जरूरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बट वो जो आप कर रहे हैं वो आपको जॉब देने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है वो सर्टिफिकेट। क्यों नहीं है, क्या नहीं है, मिलती है, करती है, सब में नहीं जाना है। ये बात जिस दिन आ गया, तो ये मिथ, आपकी सबसे बड़ी मिथ ये तोड़ने की ज़रूरत है। और ये मिथ टूटेगी कैसे? इसमें भी जैसे हरित क्रांति आई, देश को आज़ादी की क्रांति आई, ऐसे ही हर मध्यम वर्गीय परिवार, मिडिल क्लास के लोग जब इस बात को समझेंगे कि ये सच है, जो लोग समझ रहे हैं उनको तो सच पता है, पर वो चार जगह बता नहीं रहे हैं इस बात को, कि केवल आपके लिए सर्टिफिकेट, कोर्स, पढ़ाई आपको जॉब नहीं देती है। बीटेक, एमबीए, बीबीए के नाम पे कुछ लोगों को कुछ कॉलेज से कोई जॉब मिल जाती है, वो एक आधार नहीं बन जाता है कि ये कोर्स कर लो। ये जिस दिन बात लोगों में पता चलेगी, तो लोग ये जानने का प्रयास करेंगे क्या करो, कैसे करो, जिससे उस जो आप हैं या आपकी जो प्रोफाइल है वो कंपनी लेना चालू करें, इससे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में मदद मिलेगी। आप इंटर्नशिप कराएं, अप्रेंटिस कराएं, वो भी एक केवल जॉब का आधार नहीं बढ़ता, वो थोड़ी मदद कर देता है, पर वो भी इतनी मदद नहीं कर रहा जितना हाइप इसकी बनी हुई है। जमीनी हकीकत ये, दूसरी मिथ ये है। तीसरी मिथ और भी है कि आप जब स्कोप की बात करते हैं, किसी का कोई भी मन आया, कुछ भी कर लिया, कोई भी लाइन पकड़ ली, कोई भी प्रोफाइल पकड़ ली, बिना देखे हुए हमारी किस टाइप की इंडस्ट्री है, हम जहाँ पे जॉब चाह रहे हैं वहाँ पे वो इंडस्ट्री नहीं है, हम पता चला करा एक प्रोफाइल से जिसकी केमिकल में हमारे पास हो, केमिकल में काम मान लो दो ही तीन कंपनी, कुछ ही नहीं, तो दे भी समझना है स्कोप किस तरीके की चीज़ों का है। और साथ में आप क्या ये मिथ्स तोड़नी पड़ेंगी, और जब ये तोड़ेंगे, इसकी जानकारियाँ करेंगे, इसको समझेंगे, तो और आपको बहुत सारे हल निकलेंगे। तो मैंने आज आपको रोजगार की बात में केवल इतना बताने का प्रयास किया कि अपने भ्रम तोड़िए। कौन सा भ्रम तोड़िए ये भी बताया। आओ पढ़ लें, आओ ये पढ़ाई कर लें, आप ये कर लें, उससे काम नहीं चलने वाला है। कौन सी कंपनी कहाँ है उसको भी देखना है, उससे काम नहीं चलने वाला है। फीमेल्स में जो मिथ है मार्केट में, लोगों में ये बात पता है, पेरेंट्स ये समझते हैं सिर्फ उनको एक पढ़ाई करा दी जाए, उनको एक कंप्यूटर कोर्स करा दिया जाए, उनको जॉब मिल जाएगी, ये और बहुत बड़ा भ्रम है। अरे उनकी शादी होना उसकी चिंता छोड़ दें, अगर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग दहेज के लिए पैसा कलेक्शन थोड़े दिन के लिए बंद कर दें, आर्थिक निर्भरता ले आएँ, एक कहीं भी पढ़ा ज्वाइनिंग आने के ज्वाइनिंग आ जाए, कहीं भी अर्निंग चालू हो जाए, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए कौन काम कर रहा है? ये बदलाव चाहिए। आज भी फैमिलीज फीमेल्स को सिर्फ पढ़ाने पे दिमाग लगा रही हैं, अर्निंग्स में दिमाग नहीं लगा रही हैं, सोच नहीं रही इसके लिए प्लानिंग कैसे करें, हर मंथ में लड़की के लिए क्या बचाना है, कैसे शादी करेंगे, ये तो पता है पर ये नहीं पता है। और इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं चाहता हूँ इन सब चीज़ों के भ्रम टूटने चाहिए। जो बेसिक समस्याएँ हैं उनको समझने के लिए समझदारी के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आजकल मैंने देखा समझदार तो सब लोग हैं, कोई कम समझदार है नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ जब उनके जीवन में समझदारी कर्मों में नहीं आती है, एक्शन में नहीं है। योर इंटेलिजेंट डजंट शो इन योर एक्शन इन योर लाइफ, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस ऑफ नेचुरल है। हमें बदलाव लाने के लिए समझदारी चाहिए,
और वो परिवर्तन हमारे सामने दिखाई भी दे, हमारे एक्शन में, हमारे कर्मों में, हमें जानकारी मिली, नॉलेज हुई, पता चला, बट वॉट नेक्स्ट स्टेप, फिर सोचने लग गए, लियो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सोच रहे थे साधों से, अब सब कुछ मिल गया, इसके बाद फिर सोच रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम आपके सोचने की लगातार प्रक्रिया में, प्रोसेस में, इसको बदलना पड़ेगा। आज रोजगार की बात में इतना ही है, दीपावली को मनाते रहिए, बट दीपावली के बाद में अवेयरनेस, दीपावली के ड्यूरिंग में अवेयरनेस भी आए, जानकारी भी आए, सही तरीके से आप समझ पैदा कर रहे हों और उसको अपने जीवन में यूज़ कर रहे हों, ये शुभकामना के साथ आज की रोजगार की बात मैं ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।